मैं हर्षवर्धन त्रिपाठी जी का रुख करती हूँ। हर्षवर्धन सर, मतलब कहाँ तो राहुल गांधी को लेकर सवाल ये कि नकली हिंदू और हिंदू है ही नहीं, मतलब इस तरीके के आरोप या हमले, और कहाँ आज बतौर नेता विपक्ष राहुल गांधी हाथ में बाबा भोलेनाथ की तस्वीर, महादेव की तस्वीर, और फिर उसको लेकर जिस तरीके की व्याख्या राहुल गांधी आज सदन में करते हुए नजर आए कि साहब संदेश इससे क्या मिल रहा है कि अभय मुद्रा में हैं शिव जी, उनके गले के इर्द गिर्द नाग लिपटे हुए हैं, तो वो संदेश ये दे रहे हैं कि डरो मत। और जिस तरीके से उन्होंने पूरा का पूरा एक विस्तृत ब्यौरा रखा अपनी बात शुरू करते हुए, आप किस तरीके से देख रहे हैं राहुल गांधी के आज के इस वक्तव्य को, भाषण को, और इस पर गर्म सियासत को? देखिए रोमाई, सबसे पहले तो ये कि राहुल गांधी ने जिस राजनीति को वो करते आ रहे हैं उसको और ज़्यादा आक्रामकता से करेंगे, ये आज स्पष्ट हो गया। उनके पीछे खड़ा एक वर्ग आज बहुत आह्लादित हुआ होगा कि राहुल गांधी उस भूमिका को बहुत अच्छे से निभा रहे हैं, लेकिन जिस भगवान शिव की तस्वीर को लेकर और जो उन्होंने डिस्क्राइब किया, अगर किसी भी हिंदू ने आज वो भाषण सुना होगा तो उसको समझ में आ गया होगा कि राहुल गांधी को हिंदू धर्म की समझ कितनी है। राहुल गांधी ने कहा कि शिव जी के लेफ्ट में त्रिशूल होता है, दाएं हाथ में इसलिए नहीं होता जिससे वो हिंसा न करें। अब जरा सुनिएगा, और मुझे तो बड़ा आश्चर्य हुआ, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि सचमुच हिंदू उसको सुन नहीं रहे या हिंदू उसी तरह से सुन रहा है जैसे नेता लोग सुनाते हैं। उन्होंने कहा कि जो लोग खुद को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटे हिंसा 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 हिंसा, नफरत नफरत। अब नरेंद्र मोदी, अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी उसका क्या करेगी मुझे नहीं पता है, लेकिन राहुल गांधी जो हिंदुत्व, ISIS, बोको हरम, जो हिंदुत्व और हिंदू में अंतर, उस राजनीति को यहां तक लेकर आए, आज तक कभी यह नहीं हुआ। यह ठीक बात है कि पहली बार 10 साल में इतना मजबूत विपक्ष दिखा है, लेकिन यह भी कभी नहीं हुआ कि नेता विपक्ष इस तरह से मुद्दों को छोड़कर, और यह बात सच है कि लगभग सबको हस्तक्षेप करना पड़ा और इसको अपनी सफलता के तौर पर राहुल दिखा सकते हैं, कांग्रेस पार्टी दिखा सकती है, लेकिन जरा सोचिए कि MSP मिल नहीं रही है, ये किसको नहीं पता, ये झूठ है या सच है सबको पता है। और अगर किसी लीडर ऑफ अपोजिशन के भाषण को वेरीफाई कराने की जरूरत पड़ गई हो, संसदीय राजनीति में आज तक ये करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। मुझे लगता है जो चुनाव के दौरान झूठ और अराजकता की राजनीति राहुल गांधी को पे कर गई है, जो 52 से 99 पहुंचे हैं, वहां वो पहुंचे हैं, नए सिरे से हिंदू राजनीति परिभाषित होगी, भाजपा को भी अपनी राजनीति बदलनी पड़ेगी, और राहुल गांधी इससे लाभ पा रहे हैं तो शायद इसी पर वो और आक्रामक होंगे, यही हमें देखने को मिलेगा। ये आपने एक बहुत बड़ी बात की है सर, कि देश में नए सिरे से जो हिंदू राजनीति है वो परिभाषित होगी, लेकिन आपने यहां पर जिस तरीके से कटघरे में राहुल गांधी को खड़ा किया है उसके बाद तो अब अभय जी जवाब देना भी चाह रहे हैं। और सवाल अभय जी ये भी हो जाता है कि ठीक है, कांग्रेस पार्टी के नेता समर्थक बहुत खुश हैं राहुल गांधी के इस बयान को सुनकर, और वही बात जिसको अभी हर्षवर्धन त्रिपाठी जी भी अंडरलाइन कर रहे थे कि साहब एक अकेला राहुल, और देखो सत्ता पक्ष में सबको हिला दिया, प्रधानमंत्री से लेकर सब बड़े बड़े केंद्रीय मंत्री खड़े होकर जवाब देना चाह रहे हैं, इस तरीके के सोशल मीडिया पर जो कांग्रेस के हैंडल्स है वहां से सर पोस्ट भी किए जा रहे हैं, लेकिन क्या ये एक सेल्फ गोल तो नहीं साबित हो जाएगा राहुल गांधी के लिए? मैंने कांग्रेस वाले अभय दुबे जी से सवाल पूछा है। जी अभय जी, तो जिस तरह राहुल गांधी जी ने हिंदू संदर्भ में बात की है, उन्होंने यही बताने की कोशिश की कि जो भारतीय जनता पार्टी भगवान शंकर के चित्र पर आपत्ति ले, वो क्या सच में हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व करती है? वो तो हिंसा के धर्म का ही प्रतिनिधित्व करती है। राहुल गांधी जी ने अगर किसानों की बात की, मेरे आदरणीय मित्र, उन्होंने लीगल गारंटी MSP की बात, जरा सा आपको रोकूं, जो सरकार ने नहीं दी। आप मुझे एक बात बताइए, यहाँ विरोधाभास नहीं है, मतलब पूरा चुनाव संविधान की रक्षा, संविधान की रक्षा, हाँ, और चुनाव के बाद नतीजे आ गए, उसके बाद प्रोटेम स्पीकर से लेकर स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर पद, हर बार यही बात बोली गई, साहब परंपरा का पालन किया जाए, मर्यादा का पालन किया जाए, और फिर सर शिवजी की फोटो की बात करके कहीं ना कहीं हिंदू कार्ड कांग्रेस नहीं खेल रही है सर, क्योंकि सदन जो है सर वो तो नियम से चलता है ना, और जो स्पीकर हैं लोकसभा अध्यक्ष हैं वो तो बार बार इस बात को रेखांकित कर रहे थे कि साहब नियम ये अलाउ नहीं करता, अनुमति नहीं देता कि आप कोई भी पोस्टर तस्वीर इस तरीके से सदन में दिखाएं, तो क्या ये हिंदू कार्ड खेल रहे हैं राहुल गांधी? राहुल गांधी जी ने संविधान की किताब आज भी हाथ में ली और ये बताया सरकार को कि ये नियम, ये संविधान में कहीं नहीं लिखा है कि किसान अगर फसलों के दाम मांगे तो उनकी राह में कील काटे बिछा दो,
उनको आतंकवादी बता दो, कहां लिखा है ये बताइए। अगर पहलवान लड़कियां अपने न्याय की मांग करें तो तिल तिल कर तड़पा तड़पा कर दिल्ली के दरवाजे पर आप मारेंगे उसको। अगर मणिपुर कहे कि हिंसा से त्राही माम हो रहा है, प्रधानमंत्री जी बचाइए, भारतीय जनता पार्टी के एमएलए आए दिल्ली पर, प्रधानमंत्री जी से मिलने का समय मांगा मणिपुर के, और कहा कि ये राज्य प्रायोजित हिंसा है, 4000 ऑटोमेटिक वेपन लूट लिए गए प्रधानमंत्री जी, ना मिलने का समय दिया ना उस पर बात की, तो ये क्या भारत के संविधान का आधार नहीं है कि हमको उस राज्य की रक्षा करनी है जो राज्य हिंसा में की ओर धकेल दिया गया है? क्या वो युवाओं के रोजगार की बात करना संविधान की शक्तियों में प्रदत्त नहीं है जो प्रधानमंत्री जी ने 12 करोड़ युवाओं के रोजगार छीन लिए? उनका दोस्त अगर 1600 करोड़ रुपए रोज कमाए और किसानों की आमदनी 27 रुपए हो जाए तो ये संविधान में प्रदत्त शक्तियां हैं जो राहुल गांधी जी को अधिकार संपन्न करती है कि वो सदन में मुखरता से ये बात करें। और उन्होंने तो आग्रह किया था पहले दिन नेता प्रतिपक्ष के रूप में कि हम सब आए और साथ मिलकर देश के युवाओं को संदेश दें। उनमें असुरक्षा का भाव है, जिस प्रकार 70 भर्ती परीक्षाओं में घोटाले किए गए प्रधानमंत्री जी, गुजरात में 2014 के बाद अधिसंघ भर्ती परीक्षाओं में घोटाले हुए, हरियाणा में 28, उत्तर प्रदेश में 10, अगर राहुल गांधी जी की यात्रा ना होती तो 48 लाख जो कांस्टेबल भर्ती परीक्षा उत्तर प्रदेश की, उसके घोटाले को आकार दे दिया जाता, उसकी परीक्षा आए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।